ये जो क्राल कलयुग में जन्मे हैं, जो क्राल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो ढींगा ढींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे और मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के आधार श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है।